हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल करंट स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आ गया हूँ। फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों का ये चीज़ डाउट रहता है कि कलर ब्लाइंडनेस आखिर में उनके आंखों में है कि नहीं है। क्योंकि किसी भी रेलवे का मेडिकल हो गया, चाहे SSC का मेडिकल हो गया, चाहे आप लोग का पुलिस का कोई मेडिकल हो गया, स्टेट पुलिस हो गया, जैसे UP पुलिस हो गया, वेस्ट बंगाल पुलिस हो गया, और गुजरात पुलिस हो गया, और सभी स्टेट का पुलिस हो गया, या फिर आर्मी का कोई टेस्ट हो गया, या फिर डिफेंस में SSC GD के ही थ्रू जाइएगा, या फिर CI SSC CPO SSC GD, जो भी मतलब कि जितने भी डिफेंस के होते हैं, या फिर और खास कर से इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर रेलवे के स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि रेलवे में आप लोग का ये चीज़ प्रॉब्लम ना बहुत सारे बच्चों के पास रहता है, और ये बहुत अच्छे से चेक किया जाता है रेलवे में। क्योंकि कलर का ना जो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट है, कलर टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है रेलवे स्टूडेंट्स के लिए, रेलवे वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के पास ये डाउट रहता है कि आखिर में उनके पास ये कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट है, कैसे चेक करें आखिर में मेरे आंखों में कहीं कलर ब्लाइंडनेस है तो नहीं है ना। और मैं सारा कुछ आप लोग का इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करूंगा, और आप लोगों को पूरा मैं बता दूं ना कि ये जितने भी अभी तक के मैं कहीं भी मेडिकल होता है ना, तो यही आपको 38 प्लेट के बारे में पूछा जाता है। मैं टोटल 38 प्लेट आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो 38 प्लेटों का मैं टोटल जिक्र आप लोग को इस वीडियो में, और ये जो कि है इसका बुक है, ठीक है। ये इशिहारा टेस्ट जिसको बोला जाता है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट जिसको बोला था, ठीक है। आप लोगों के आंखों में कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि आप लोग रंगों का पहचान नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आप लोग का रंग कुछ और रहेगा, दिखेगा कुछ और। तो आप लोग ये कैसे चेक कीजिएगा अपना रंग, मैं चेक कर पा रहा हूँ कि नहीं, वो मेरे आंखों में कहीं कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है ना। क्योंकि ये रेलवे में बहुत ही डीप चेक किया जाता है, और मेरा भी रेलवे में जो मेडिकल हुआ था ना, क्योंकि मैं जितना ही अभी आप लोग को दिखाऊंगा, ये सारा कुछ मुझे रेलवे में दिखाया गया था, और जो दिखाया गया था वही मैं आप लोग अभी उस बुक का दिखा रहा हूँ। और क्योंकि यही एक बुक ही मात्र है इशिहारा टेस्ट करने के लिए, कलर ब्राइटनेस टेस्ट करने के लिए, यही पूरे इंडिया में क्या, पूरे इंडिया के बाहर ही, पूरे भारत के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, और भी किसी भी कंट्रीज़ में जाइएगा आप लोग को यही 38 प्लेट मिलेगा आप लोग को देखने के लिए इसी बुक से। और यही बुक एक यूनिवर्सल बुक है, जो कि कलर ब्राइटनेस टेस्ट करने के लिए बुक ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में आप लोग को इस बुक का ही मैं संपूर्ण आप लोग का जितने भी 38 प्लेट है, क्योंकि इस बुक में 38 प्लेट होता है, ठीक है। और यही 38 प्लेट आप लोग के मेडिकल में जाइएगा तो पूछ जाएगा कि मैं देखिए मेरा रेलवे में 2-2 बार मेडिकल हुआ है, ठीक है। मैं मेडिकल क्योंकि मेरा रेलवे में जब भी मेडिकल हुआ था 2 बार, वो दोनों भरा, दोनों बार मुझे ये दिखाया गया था, और यही बुक में से ही दिखाया गया था। तो इस बुक का मैं PDF फाइल में है, अगर आप लोग को PDF फाइल इसका चाहिए तो PDF फाइल आप लोग वीडियो में बस लास्ट तक बने रहिएगा। मैं वीडियो में आप लोग को एक जगह पर दूंगा अपना मोबाइल नंबर व्हाट्सअप का, ठीक है। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके मेरे से ये PDF फाइल ले सकते, ठीक है। बच्चे वही लेंगे जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि अगर आप लोग इस PDF को 10-15 बार जितना बार जब तक याद ना हो जाए, तो आप लोग देख के जाइएगा ना, तो आप लोग के पास आइडिया लग जाएगा कितना ये लिखा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास प्रॉब्लम रहता है कि नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। जिनका नॉर्मल आई है, जिनका आई है, तो ईजिली पढ़ लेंगे, बोलेंगे नहीं इसमें तो कुछ नहीं है, ये क्या है, पढ़ लेंगे, आराम से पढ़ ले रहे हैं। तो लेकिन जिसके पास रियली में प्रॉब्लम रहता है ना, वो चीज़ स्टूडेंट्स इस बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं इस चीज़ को, ठीक है। पता ही नहीं चलेगा उनको क्या लिखा गया है इसमें, ठीक है। तो आप लोग को ये 38 प्लेट का, मैं जो भी 38 प्लेट है, इसका PDF फाइल अगर चाहिए आप लोग, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, या फिर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहां पे हर एक PDF आप लोग को मेरा मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को मैं चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट आप लोग टेस्ट कैसे कीजिएगा, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट का, ठीक है। आप लोगों का इसको मैं आप लोग बता देता हूँ, रेलवे के स्टूडेंट्स हो गए चाहे कोई भी स्टूडेंट्स हो गए, बहुत डीप देखिएगा बच्चे आप लोग बिना वीडियो के स्किप किए, क्योंकि आप लोग का यही 38 प्लेट पूछा था, मैं टोटली 38 प्लेट आप लोगों को लेके आ गया हूँ इस वीडियो में, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर मैं अगर बात करूँ आप लोगों की, तो देखिए इसे एक और नाम से जाना था, इशिहारा टेस्ट बोला जाता है, ठीक है। इशिहारा चार्ट इसको बोला था, इशिहारा टेस्ट। तो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट का ही एक और नाम है इशिहारा टेस्ट। आप लोग रेलवे में जाइएगा तो बोलेगा कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, इशिहारा टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट होता है रेलवे के लिए, खासकर से कोई भी आप लोग रेलवे में जाइए, ग्रुप डी, NTPC CHA LP टेक्नीशियन, किसी भी जाइए मिनिस्ट्री एस रिलेटेड कैटेगरी, कोई भी भर्ती में आप लोग जाइएगा ना रेलवे का, कोई भी पोस्ट पर या फिर और भी डिपार्टमेंट में, आप लोग का इशिहारा टेस्ट, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा ही होगा। और रेलवे में बहुत डीप चेक किया जाता है, क्योंकि मेरा तो खुद हुआ है, मैं खुद सेलेक्टेड क्वालिफाइड कैंडिडेट हूँ रेलवे का, ठीक है। तो मेरे पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कैसे क्या होता है। चलिए मैं आज की वीडियो को दिखाता हूँ आप लोग पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं। देखिए आज का पहला चार्ट ये है, देखिए इसमें आप लोगों का क्या लिखा गया है आप लोग को ये पढ़ के बताना है, और इसका सारा आंसर आप लोगों को मैं लास्ट के वीडियो में आप लोग का चार्ट में दे दूंगा। ये इसके सामने क्या लिखा गया है ये आप लोग का यहाँ पर बगल में दिख जाएगा, देखने को मिल जाएगा आप लोग को क्या यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। जैसे कि इस वीडियो में आप लोग को पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये सारे टोटल 38 प्लेट पढ़ पाए हैं कि नहीं, कितने प्लेट पढ़ पाए हैं, कितने प्लेट नहीं पढ़ पाए हैं, इस
का कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोग और आप लोग जिसके पढ़ नहीं पा रहे जो बच्चे और जो बच्चे इसका पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या फिर आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आप लोग को पीडीएफ फाइल का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इस वीडियो में देखिए ये आप लोग को कितना लिखा गया है, ये आप लोग को क्लियर देखिए 12 लिखा गया है। ठीक है, 12 लिखा गया है। चलिए अगली मैं आप लोग को चार्ट सामने आप लोग को दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए जैसे कि इस वीडियो में आप लोग बताइए इसमें क्या लिखा गया है। बहुत सारे बच्चों ना देखिए इस चीज़ को नहीं पढ़ पाएंगे क्या लिखा गया है। अब देखिए जिनका आई सही है नॉर्मल उनको बहुत ही ईजी लग रहा होगा, ये चीज नॉर्मल है, ये चीज़ कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन नहीं, रियली में जिसके पास आई में अगर प्रॉब्लम है ना वो चीज़ इसको नहीं पढ़ पाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा इसमें क्या लिखा गया है। ठीक है, जिनका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा, जिनका जो कि इशारा प्रॉब्लम होगा, कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम होगा ना, वो चीज़ स्टूडेंट्स इस चीज़ को पढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन आप लोग अगर पढ़ ले रहे हैं तो आप लोग समझिए आप लोग का आई नॉर्मल है, आप लोग आंख से अपने फिट हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना। जैसे कि इसमें ये क्या लिखा गया है, तो इसमें 8 लिखा गया है। ठीक है, 8 लिखा गया है, आप लोग का इसका लास्ट में आंसर भी मिल जाएगा रियल में। ठीक है, देखिए अगला ये क्या है, अब इसको बताइए क्या लिखा गया है। ठीक है, आप लोग अगर पढ़ ले रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि टोटल 38 प्लेट में से आप लोग कितने प्लेट पढ़ पाए और कितने प्लेट नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, और आप लोग ये बिल्कुल ना सोचें, पहले मैं वार्निंग दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग को बहुत ही ईजी लगेगा और यकीन मानिए यही 38 प्लेट आप लोग का पूरे विश्व में देखने को मिलता है जहाँ भी कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है। ठीक है, एक यूनिवर्सल बुक है और उसका पीडीएफ फाइल आप लोग मैं अपने दे दूंगा आप लोग को, और ये पीडीएफ फाइल पूरा टोटल बुक का ही मैं आप लोग का सामने जिक्र करने वाला हूँ इस वीडियो में कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट का। ठीक है, आप लोग बताइए ये कितना लिखा हुआ है, ये आप लोग का 29 लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को नहीं पढ़ पाए होंगे तो आप लोग का समझिए आई प्रॉब्लम है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट का प्रॉब्लम है। तो आप लोग इस पीडीएफ फाइल को अच्छे से 10-15-20 बार जितना बार देखना होगा देख लीजिएगा, कहीं कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा कितना लिखा हुआ है, एक आइडिया लग जाएगा आप लोग को। तो फिर आप लोग को मेडिकल में कोई भी चीज़ पूछेगा आप लोग तुरंत बता दीजिएगा। चलिए अगला दिखाते हैं हमें आप लोगों का, देखिए अगला ये बताइए क्या लिखा हुआ है आप लोगों का। ठीक है, आप लोगों को मैं टोटल आप लोगों को 5-6 सेकंड का आप लोग का टाइम दूंगा, आप लोग वीडियो में बताते रहिए, देखते रहिएगा पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोग को बता दूं मैं इस चैनल पर हर एक भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो गया आप लोग का कोई सारे एक चीज़ प्रोवाइड करा कर रखता हूँ, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि मैं रेलवे में खुद एक क्वालिफाइड सेलेक्टेड हूँ तो मेरे पास रेलवे का एक्सपीरियंस काफ़ी आ चुका है, तो मैं एक तरह से रेलवे का ना संपूर्ण जानकारी मेरे पास है। तो हर एक चीज़ रेलवे का जो भी होता है अपना तुरंत टाइम टू टाइम अपडेट किया करता हूँ, चाहे वो कोई वैकेंसीज हो गए, चाहे वो कोई न्यूज़ हो गया रेलवे से, सारा कुछ मैं प्रोवाइड करा कर रखता हूँ अपने चैनल पे, चाहे कोई भी भर्ती सीरीज से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो गया मैं सब कुछ अपने चैनल पे प्रोवाइड करा कर रखता हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप लोग बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग कितने इसमें से चार्ट को पढ़ पाए हैं, कितने चार्ट को नहीं पढ़ पाए हैं, और इन सारे चार्ट का आंसर आप लोगों को लास्ट में मिल जाएगा कि चार्ट के सामने लिख दिया जाएगा कि आप लोग किस चार्ट में, ये इस चार्ट में जैसे कि क्या लिखा हुआ है, इस चार्ट को आप लोग बहुत सारे नहीं पढ़ पाएंगे, बगल में मैं आप लोग को यहाँ पर लिख दूंगा कि टोटल कितने इस चार्ट में कितना लिखा गया है। जैसे कि इस चार्ट में 74 लिखा गया, तो 74 ऐसा ही लिखा हुआ आप लोग को लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ फिर से इस बात पे कि आप लोग अगर चैनल पे मेरे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ऐसे ही रेलवे भर्ती से रिलेटेड अभी कोई भी भर्ती से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोग बता दूँ ये रेलवे के मेडिकल के रिगार्डिंग, मेरा रेलवे में 2-2 बार मेडिकल हुआ है, तो मैं रेलवे के मेडिकल के रिगार्डिंग ना कि रेलवे में कैसे किस प्रकार से मेडिकल होता है संपूर्ण एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, जैसे ये जो सीरीज लेके आ गया हूँ। ठीक है, जैसे कि रेलवे मेडिकल मैंने इशारा टेस्ट, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट कैसे होता है ये वीडियो हो गई, इसके बाद मैं लेके आऊँगा डिस्टेंस विजन कैसे टेस्ट किया जाता है, जैसे कि बहुत से बच्चों का 6x6, 6x9, 6x12, 6x5 ये से होता है कि किस बच्चे का कैसे आप लोग चेक कीजिएगा कि कितना बाई कितना आप लोग का आँख है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो वही लेके आऊँगा कि आप लोग कैसे चेक कीजिएगा आप लोग अपना डिस्टेंस विजन। उसके बाद से मैं आप लोग को संपूर्ण एक रेलवे के मेडिकल से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा कि रेलवे में किस प्रकार से मेडिकल होता है, कि जैसे कि आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अगले दिन ही मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, तो रेलवे में मेडिकल टेस्ट के लिए कैसे शुरुआत से लेकर हॉस्पिटल में जब जाइएगा तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक कैसे क्या मेडिकल होगा, मैं संपूर्ण वीडियो आप लोग को लेकर आऊँगा एक जल्द ही लेकर आ रहा हूँ अपने चैनल पर। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोग रेलवे के स्टूडेंट्स हैं तो, या फिर कोई भी बच्चे हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर एक भर्ती से रिलेटेड मैं अपडेट अपने चैनल में प्रोवाइड करा के रखता हूँ। ठीक है, और आप लोग पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, जैसे देखिए इस चार्ट में आप लोग कुछ पढ़ना नहीं है, इस चार्ट में बस आप लोग को ये बताना है, डॉक्टर पूछेगा बताइए इस चार्ट में क्या है, बस आप लोग ये बताना है सर इसमें रास्ता बनाया गया, रास्ता कैसे बनाया गया, तो जैसे बनाया होगा जैसे देखिए इसमें ऐसे ऐसे करके बनाया गया है तो आप लोग को ऐसे ऐसे बना देना है। ठीक है, बस ऐसा हाथ करके ऐसे ऐसे बता देना है कि आप लोग ऐसे ऐसे रास्ता करके कुछ दिया हुआ है। ठीक है, बस आप लोग को यही बताना है, कुछ अंक लिखा रहेगा तो बता देना है कि अंक लिखा हुआ है, इसमें भी देखिए रास्ता ही बनाया हुआ है, आप लोग बस इसमें देखना है रास्ता समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं या फिर कुछ आप लोगों को दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो
तो आप लोग अगर पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग के पास कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम नहीं है, इशिहारा का प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज़ को इशिहारा टेस्ट कहा जाता है और ये रेलवे में बहुत मैंडेटरी होता है कलर का चेक करने के लिए, आँख को चेक करने के लिए, क्योंकि आप लोग को रेलवे में पता है कि कलर का ही काम होता है रेलवे में ज़्यादातर, ठीक है। अगर आप लोग जहाँ कहीं भी रंगों का पहचान नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर कहीं आप लोग प्रॉब्लम कर दीजिएगा रेलवे में, ठीक है। आप लोग सिलेक्शन से दूर हो जाइएगा, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोग को संपूर्ण इसमें टोटल यूनिवर्सल ये बुक है आपकी इशिहारा टेस्ट करने का, कलर ब्राइटनेस टेस्ट चेक करने का, ठीक है। तो मैं संपूर्ण आप लोग को ये वीडियो में दे दे रहा हूँ, आप लोग का टोटल 38 प्लेट का 38 प्लेट, ठीक है। तो आप लोग इस पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर मैं आप लोग अभी वीडियो में व्हाट्सअप नंबर आप लोग अपना शेयर करूँगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग ये पीडीएफ फाइल ले सकते हैं, ठीक है। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, देख सकते हैं आप लोग पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, बस आप लोग देखते रहिए। और आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इस चैनल पे हर एक भर्ती से रिलेटेड अपडेट प्रोवाइड कराया करता हूँ, ठीक है। और रेलवे के मेडिकल का सीरीज मैं लेकर आ रहा हूँ, और उसके जैसे ही मेडिकल का सीरीज खत्म होगा उसके बाद से मैं टोटल आरआरबी में जितने भी जोन है आरआरसी में, ठीक है, आरआरबी का 21 जोन है, 19 जोन है, जो भी है आरआरसी का, ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर का कट ऑफ लेकर आ रहा हूँ कि रेलवे ग्रुप डी में, रेलवे एनटीपीसी में, लोको पायलट में, टेक्नीशियन में क्या कट ऑफ गई थी पिछले साल में, पिछले प्रीवियस ईयर में, मैं संपूर्ण एक कट ऑफ का एक सीरीज लेकर आऊँगा जोन वाइज। जैसे आरआरबी कोलकाता का अलग लेकर आऊँगा, आरआरबी गोरखपुर का अलग लेकर आऊँगा, आरआरबी चेन्नई का अलग लेके आऊँगा, ठीक है आप लोग का, उसके बाद से आरआरबी आप लोग का मुंबई का अलग लेके आऊँगा, ऐसे करके हर एक आरआरबी का मैं कट ऑफ लेके आ रहा हूँ प्रीवियस ईयर का, कि आप लोग को उससे एक अंदाज़ा लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ क्या रही थी, कैसे क्या गई थी। तो मैं संपूर्ण डिटेल वीडियो आप लोग को लेकर आऊँगा कट ऑफ के रिकॉर्डिंग, SC ST OBC जनरल EWS OH जो भी कैटेगरी होती है सभी का, ठीक है। तो कट ऑफ की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो में अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए ये मैंने आप लोग को टोटल प्लेट्स दिखा दिए, ठीक है, और उन सभी प्लेट्स का आंसर यहाँ पर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि इस प्लेट्स का सबसे फर्स्ट में आप लोग 12 वाली प्लेट दिखे थे, ये वाली प्लेट, इस प्लेट का आंसर आप लोग का यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए आप लोग कितना ये लिखा गया इस प्लेट में, आप लोग अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा इस प्लेट में कितना लिखा गया, यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा। जैसे कि इस प्लेट में आप लोग कितना लिखा गया, इस प्लेट का आंसर आप लोग का यहाँ पर दिख जाएगा, देखिए, ठीक है, आप लोग ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं सारा कुछ, सभी प्लेट्स का आंसर आप लोग को दिख जाएगा। देखिए नॉर्मल व्यू आप लोग का 5 और नॉर्मल व्यू 6 और रेड ग्रीन डिफिशियंसी 5। आप लोग का जो इनका प्रॉब्लम होगा शायद उनको ये 5 दिखेगा, ठीक है, और जिनका नहीं प्रॉब्लम होगा उनको नॉर्मल दिख जाएगा। देखिए नॉर्मल जैसे व्यू है 6 है तो नॉर्मल व्यू में 6 दिखा रहा है, नॉर्मल व्यू 8 है तो नॉर्मल व्यू 8 दिखा रहा है। तो जिनका कलर ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम होगा ना तो उनको शायद ये नहीं दिखाएगा चीज़, ठीक है, ये 8 उनको 3 लगेगा, ये 6 उनको 5 लगेगा, ठीक है, जिनका प्रॉब्लम होगा। ये चीज़ डिटेल बताया गया, ठीक है, जैसे 29 इसमें लिखा गया तो जिसका नॉर्मल आई होगा उसको तो 29 दिखेगा, लेकिन जिसका आई में प्रॉब्लम होगा कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा ना तो कलर ब्लाइंडनेस जिनका होगा उनको 70 दिखेगा, ठीक है, ऐसी ये प्रॉब्लम होता है। जैसे ये 55 जैसे कि जैसे 57 लिखा है, जैसे 57 यहाँ पर नॉर्मल व्यू दिखा दे रहा है, अब जिसका प्रॉब्लम होगा वो 57 इसको दिखेगा, इसको 35 दिखेगा, ऐसा ही करके ये होता है इसमें, ठीक है। जैसे इसमें देखिए इसमें आप लोग का नॉर्मल जिसका प्रॉब्लम होगा नहीं होगा उसको 5 दिखेगा, जिसका प्रॉब्लम होगा ना उसको ये 2 दिखेगा, 5 दिख भी नहीं करेगा। तो देख सकते हैं आप लोग कितनी बड़ी ये चीज़ हो जाती है आप लोगों के लिए, ठीक है, बहुत बड़ी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही सभी का नॉर्मल व्यू और प्रॉब्लम वाला जो भी दिखाएगा वो दिखा देगा। जैसे अगर आप लोग इसमें देख लीजिए यहाँ पर नॉर्मल व्यू तो आप लोग का यहाँ पर 3 दिखेगा, ठीक है, जैसे इस प्लेट में 3 है तो 3 दिखेगा, लेकिन जिसका प्रॉब्लम होगा उसको ये 5 दिखेगा। ऐसे ही यहाँ पर 15 है तो देखिए यहाँ पर 15 नॉर्मल व्यू 15 दिखा रहा है ना, लेकिन इसका प्रॉब्लम होगा उसको 17 दिखेगा। ये 74 है तो नॉर्मल व्यू में तो 74 दिखेगा, लेकिन जिनका प्रॉब्लम होगा उसको ये प्लेट 21 का दिखेगा। जैसे ये वहीं पे 2 है तो नॉर्मल व्यू में 2 दिखेगा, और जिसका प्रॉब्लम होगा उसको कुछ दिख भी नहीं करेगा, ठीक है, बोलेगा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ये नॉर्मल व्यू 6 है, जिसका प्रॉब्लम होगा उसको ये चीज व्यू दिख भी नहीं करेगा, ठीक है। 97 है जिसका प्रॉब्लम होगा उसको कुछ दिख भी नहीं करेगा, बोलेगा इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, ये थोड़ा हार्ड प्लेट है, ठीक है। अगर आप लोग इसको भी पढ़ पा रहे हैं तो समझ जाइए आप लोग का 100% कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट का प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बिल्कुल फिट है कलर ब्लाइंडनेस से, ठीक है। तो इस चीज़ में आप लोग को मैं संपूर्ण कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट का आप लोग का वीडियो दे दिया हूँ आप लोग को, ठीक है। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए मैं आप लोग को अभी थोड़ा देर बाद से अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर करूँगा, यहाँ से आप लोग पीडीएफ फाइल इसका ले सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर ये नॉर्मल व्यू आप लोग का 45 दिख रहा है, यहाँ पर देखिए नॉर्मल व्यू आप लोग का यहाँ 45 दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए नॉर्मल व्यू 45 दिखेगा आप लोग का, ठीक है, लेकिन जिनका प्रॉब्लम होगा उनको ये चीज़ नहीं दिखेगी, ठीक है,
उनको कुछ दिख भी नहीं करेगा। जैसे इसमें देखिए नॉर्मल व्यू 5 है, लेकिन जिसका प्रॉब्लम होगा उसको कुछ नहीं दिखेगा। इसमें देखिए नॉर्मल व्यू 7 है, लेकिन जिसका प्रॉब्लम होगा उसमें कुछ दिख भी नहीं करेगा, बोले का नहीं दिख रहा है। ऐसे ही इसमें देखिए क्या है, उसके सामने यहाँ पे आंसर दिखा है, उसके बाद से यहाँ पे क्या है, उसके सामने यहाँ पे दिखा हुआ है, उसके बाद से यहाँ पे नॉर्मल व्यू कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर नथिंग बोल देना है, ठीक है। और जिसका प्रॉब्लम होगा उसको देखिए, यहाँ पर जिसका प्रॉब्लम होगा उसको ये 5 दिखेगा इसमें, लेकिन इसका जिसका प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें इसका कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल व्यू हो गया। ऐसे ही आप लोग का देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ नॉर्मल व्यू में। जैसे इस प्लेट को अगर किसी को दिखाइएगा जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है, वो बोल देगा नथिंग, कुछ भी नहीं है इसमें। जिसके पास प्रॉब्लम होगा ना, वो बोलेगा इसको 2 लिखा गया है। वैसे इसको देखिए, इसमें नॉर्मल व्यू में आप लोग को बोलेगा नथिंग, कुछ नहीं है, जिसका पास प्रॉब्लम नहीं होगा। और जिसके पास प्रॉब्लम होगा उसको 45 इसमें दिखेगा, ठीक है, रेड ग्रीन डिफिशियंसी 45 दिखेगा। अब बताइए आप लोग, जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है उसको तो कुछ ही नहीं दिखेगा, यकीन मानिए। बहुत ही इजी ये चीज़ है, लेकिन आप लोग के पास मेडिकल कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो आप लोग को ये इजी लग रहा है, लेकिन आप लोग के पास रियली में अगर कलर ब्लाइंडनेस होता ना तो आप लोग को भी ये प्रॉब्लम दिखता। जैसे कि इस चार्ट में आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ, इस चार्ट में कई सारे बच्चों का दिखेगा 73 जिसका प्रॉब्लम होगा, जिसका नहीं प्रॉब्लम होगा उसको कुछ नहीं दिखेगा इसमें, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो दिखेगा क्या। जिसका प्रॉब्लम होगा उसको 73 दिखेगा, यहाँ पर लिख भी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से इस प्लेट में देखिए 22 नंबर प्लेट में, देखिए 22 नंबर प्लेट में ये 26 लिखा गया है, लेकिन जिसका प्रॉब्लम होगा एक को दिखेगा 6, एक को दिखेगा 2, 6 दिख भी नहीं के करेगा, किसी को 6 दिखेगा तो 2 नहीं दिखेगा, ऐसे करके। ऐसे ये 42 लिखा हुआ है इस प्लेट में, देखिए 42 लिखा हुआ है, लेकिन जिसका प्रॉब्लम होगा उसको 2 दिखेगा 4 नहीं, जिसको 4 दिखेगा उसको 2 नहीं दिखेगा, ऐसे ही होगा प्रॉब्लम। जैसे इस प्लेट में 35 लिखा है, 35 लिखा है, जिसका प्रॉब्लम होगा उसको 5 दिखेगा, जिसका प्रॉब्लम होगा उसको 3 दिखेगा, टोटल 35 दिख भी नहीं करेगा, कुछ ना कुछ एगो दिखेगा एगो नहीं दिखेगा, ऐसे करके ये होता है, ठीक है। उसके बाद से आप लोग मैं दिखा रहा हूँ, देखिए अगर आप लोग मेरे जो इससे PDF फाइल लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर इस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को इस PDF फाइल दे दूँगा, मैं आप लोगों को अपना इस चार्ट का जो कि कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट का चार्ट है इसका PDF फाइल आप लोग मैं अपने व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आप लोग ग्रुप पे ऐड कर दूँगा, वहाँ से PDF फाइल आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ से PDF फाइल डाउनलोड मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को PDF फाइल इसका दे दूँगा, ठीक है। या फिर आप लोग इस व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा मेरे से, व्हाट्सएप पे आप लोग को PDF फाइल मिलेगा, ठीक है। आप लोग बस कमेंट में जब मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो आप लोग मैसेज साथ में कर दीजिएगा कलर ब्राइंडनेस बुक PDF, ठीक है, कलर ब्राइंडनेस बुक PDF सर्च बस कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दिखाता हूँ, देखिए इस प्लेट में आप लोग को सारा कुछ मैं बता दिया हूँ, जैसे कि आप लोग को इसमें डिस्कस मैं कर ले रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। देखिए इस प्लेट्स के बारे में सारा कुछ डिटेल आप लोग को, 20 या आप लोग का कुछ लाइनें नहीं दिखेगा इसमें, जिसका प्रॉब्लम होगा नथिंग, ठीक है, ये लाइन आप लोग को, ठीक है। देख सकते हैं, उसके बाद चलिए अगली चार्ट को मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है। अगली चार्ट आप लोग की आ जाती है ये चीज़, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग का इसमें क्या दिख रहा है और क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी ये सारा कुछ मैं आप लोगों का चार्ट प्रोवाइड करा दिया हूँ, और आप लोग अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यही 38 प्लेट के बारे में आप लोग को जिक्र करता हूँ, ठीक है। 36 प्लेट हो गया यहाँ पे आप लोग का टोटल, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे जिनका प्रॉब्लम होगा उसको ऑरेंज दिखे, जिसका नॉर्मल होगा ना व्यू उसको ऑरेंज लाइन इस चार्ट में दिखेगा, और जिसका प्रॉब्लम नहीं होगा प्रॉब्लम होगा उसको रेड ग्रीन नथिंग और फ्लैश लाइन, इसमें कुछ लाइनें नहीं दिखेगा उसको, ठीक है। इसमें भी उसको कुछ लाइन नहीं दिखेगा, जिसको प्रॉब्लम होगा, जिसको प्रॉब्लम नहीं होगा उसको ऑरेंज लाइन दिखेगा। वैसे इसमें ग्रीन लाइन दिखेगा, क्योंकि देखिए ब्लू ग्रीन लाइन दिखेगा जिसका प्रॉब्लम नहीं होगा, और जिसका प्रॉब्लम होगा उसको बोलेगा कुछ ये नहीं है इसमें, ठीक है, ऐसे ही करके, ठीक है। ऐसे ही उसमें इसमें है, ऐसे इसमें है, ऐसे इसमें है, ठीक है। जिसका प्रॉब्लम होगा उसको कुछ नहीं दिखेगा, जिसका नहीं प्रॉब्लम होगा उसको एक लाइन दिखेगा इसमें, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों का पूरा 38 प्लेट के बारे में जिक्र किया हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेडिकल रेलवे से मेडिकल के भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ अपने मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है। तो उस सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस लाइन की मैं आप लोगों को 37 नंबर प्लेट और 38 नंबर प्लेट, यही पूरे वर्ल्ड में एक इशिहारा टेस्ट की बुक है जो 38 प्लेट की बुक है, और इसी प्लेट से सभी 38 प्लेट से अगर आप लोग का प्रॉब्लम है तो मैं तो कह रहा हूँ आप लोग PDF को याद कर लीजिए, ताकि डॉक्टर जब मेडिकल टेस्ट करे तो आप लोग कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इसका PDF फाइल आप लोग लेने के लिए कमेंट में जो नंबर आप लोग को बताएं उस पर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैसेज कीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। जैसे कि इसमें देखिए एक लाइन दिख रहा है आप लोग का, ऑरेंज लाइन दिख रहा है, ठीक है।
वैसे ही इसमें भी आप लोग को ठीक है ऑरेंज लाइन दिख रहा है ठीक है। तो आप लोग अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि टोटल 38 प्लेट में से आप लोग कितने प्लेट को पढ़ पाए हैं, कितने प्लेट को नहीं पढ़ पाए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर आप लोग पढ़ पाए हैं कि नहीं पढ़ पाए हैं जरूर बताइएगा, या फिर प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं प्रॉब्लम आ रहा है पढ़ने में, कुछ भी आ रहा हो आप लोग प्रॉब्लम जरूर बताइएगा। आप लोग मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा आप लोगों को फिर कमेंट बॉक्स में ही, आप लोग उस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, आप लोग का ये चीज़ हो जाएगा आप लोग का ठीक है क्लियर ठीक है। और चलिए वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखे हैं, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी पीडीएफ फाइल अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ पर हर एक चीज़ का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ, लेकिन बस इसका पीडीएफ आप लोग को वहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ मैं उसी बच्चों को दूंगा जो वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा या फिर व्हाट्सअप में मेरे कॉन्टैक्ट करेगा, क्योंकि वही बच्चे इसको लेगा जिसके पास रियली में प्रॉब्लम है पढ़ नहीं पा रहा है ठीक है, उसको ये चीज़ दूंगा, क्योंकि रेलवे में इस चीज़ के कारण से क्या फ़ायदा रेलवे में वो बच्चा छट जाए ठीक है, जिसके कारण से मैं उसको ये बुक ही दे दूंगा जिससे वो पीडीएफ इसको याद कर सके, ताकि उसको आसानी होकर रेलवे में जब भी उसका मेडिकल हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में उसका मेडिकल हो, तो आसानी से बता सके, जिसके कारण से उसका मेडिकल में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बस मैं उसी स्टूडेंट्स को दूंगा जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा ठीक है। चलिए वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।